भगवान शंकर का जटिल तपस्वी ब्राह्मण के रूप में पार्वती के आश्रम पर जाना, उनसे सत्कृत हो उनकी तपस्या का कारण पूछना तथा पार्वती जी का अपनी सखी विजय से सब कुछ कहलाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उन सप्तऋषियों के अपने लोक में चले जाने पर सुंदर लीला करने वाले साक्षात भगवान शंकर ने देवी के तप की परीक्षा लेने का विचार किया। वे मन ही मन पार्वती से बहुत संतुष्ट थे। परीक्षा के बहाने ही पार्वती जी को देखने के लिए जटाधारी तपस्वी का रूप धारण करके भगवान शंभु उनके वन में गए। अपने तेज से प्रकाशमान अत्यंत बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रसन्नचित हुए वे दंड और छत्र लिए वहां से प्रस्थित हुए। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा देवी शिवा सखियों से घिरी हुई वेदी पर बैठी है और चंद्रमा के विशुद्ध कला से प्रतीत होती हैं। ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किए भक्त वत्सल शंभु पार्वती देवी को देखकर प्रीतिपूर्वक उनके पास गए और उन अद्भुत तेजस्वी ब्राह्मण देवता को आया देख उस समय देवी शिवा ने समस्त पूजन सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा की। जब उनका भली भांति सत्कार हो गया, सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा भी संपन्न कर ली गई, तब पार्वती ने बड़ी प्रसन्नता और प्रेम के साथ उस ब्राह्मण देव से आदर पूर्वक कुशल समाचार पूछा। पार्वती बोली, ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करके आए हुए आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं? वेद वेताओं में श्रेष्ठ प्रियवर, आप अपने तेज से इस वन को प्रकाशित कर रहे हैं। मैंने जो कुछ पूछा है उसे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, मैं इच्छा अनुसार विचरण करने वाला वृद्ध ब्राह्मण हूँ, पवित्र बुद्धि, तपस्वी, दूसरों को सुख देने वाला और परोपकारी हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और इस निर्जन वन में किस लिए ऐसी तपस्या कर रही हो जो पंजे के बल पर खड़े होकर तप करने वाले मुनियों के लिए भी दुर्लभ है? तुम न बालिका हो न वृद्धा ही हो, सुंदर तरुणी ही जान पड़ती हो, फिर किस लिए पति के बिना इस वन में आकर कठोर तपस्या करती हो? भद्रे, क्या तुम किसी तपस्वी के सहचारिणी तपस्विनी हो? देवी, क्या यह तपस्वी तुम्हारा पालन पोषण नहीं करता जो तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चला गया है? बोलो, तुम किस कुल में उत्पन्न हुई हो, तुम्हारे पिता कौन है और तुम्हारा क्या नाम है? तुम महासौभाग्य रूपा जान पड़ती हो, तुम्हारा तपस्या में अनुराग व्यर्थ है। क्या तुम वेद माता गायत्री हो, लक्ष्मी हो, अथवा क्या सुंदर रूप वाली सरस्वती हो? इन तीनों में तुम कौन हो, यह मैं अनुमान से निश्चय नहीं कर पाता। पार्वती बोली, विप्रवर, ना तो मैं वेद माता गायत्री हूँ, न लक्ष्मी हूँ और न सरस्वती ही हूँ। इस समय मैं हिमाचल की पुत्री हूँ, मेरा नाम पार्वती है। पूर्व काल में, इससे पहले कि मैं जन्म में प्रजापति दक्ष की पुत्री थी, उस समय मेरा नाम सती था। एक दिन पिता ने मेरे पति की निंदा की थी, जिससे कुपित हो मैंने योग के द्वारा शरीर को त्याग दिया था। इस जन्म में भगवान शिव मुझे मिल गए थे, परंतु भाग्यवश काम को भस्म करके वे मुझे भी छोड़कर चले गए। ब्राह्मण, शंकर जी के चले जाने पर मैं विरह ताप से उद्विग्न हो उठी और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके पिता के घर से यहाँ गंगा जी के तट पर चली आई। यहाँ दीर्घकाल तक कठोर तपस्या करके भी मैं अपने प्राण भल्लभ को ना पा सकी, इसलिए अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहती थी। इतने में ही आपको आया देख मैं क्षण भर के लिए ठहर गई। अब आप जाइए, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी, क्योंकि भगवान शिव ने मुझे स्वीकार नहीं किया, किंतु जहाँ जहाँ मैं जन्म लूंगी वहाँ वहाँ शिव का ही पति रूप में वरण करूंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर पार्वती उन ब्राह्मण देवता के सामने ही अग्नि में समा गईं। यद्यपि ब्राह्मण देव सामने से उन्हें बारंबार ऐसा करने से रोक रहे थे, अग्नि में प्रवेश करती हुई पर्वत राजकुमारी पार्वती की तपस्या के प्रभाव से वह आग उसी क्षण चंदन पंख के समान शीतल हो गई। क्षण भर उसी आग के भीतर रहकर जब पार्वती आकाश के ऊपर उड़ने लगी, तब ब्राह्मण रूपधारी शिव ने सहसा हंसते हुए उनसे पुनः पूछा, अहो भद्रे, तुम्हारा तप क्या है? यह कुछ भी मेरी समझ में नहीं आया। इधर अग्नि से तुम्हारा शरीर नहीं जला, यह तो तपस्या की सफलता का सूचक है, परंतु अब तक तुम्हें अपना मनोरथ प्राप्त नहीं हुआ, इससे उसकी विफलता प्रकट होती है। अतः देवी, सबको आनंद देने वाले मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण के सामने
तुम अपने अभीष्ट मनोरथ को सच सच बताओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाली अंबिका ने अपनी सखी को उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। पार्वती से प्रेरित हो उन विजया नामक प्राण प्यारी सखी ने, जो उत्तम व्रत को जानने वाली थी, जटाधारी तपस्वी से कहा, साधु, तुमसे पार्वती के उत्तम चरित्र का और इनकी तपस्या के समस्त कारणों का वर्णन करती हूँ। आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। मेरी सखी गिरिराज हिमाचल की पुत्री है। ये पार्वती और काली नाम से विख्यात हैं तथा माता मेनका की कन्या हैं। अब तक किसी ने इनके साथ विवाह नहीं किया है। ये भगवान शिव के सिवा किसी दूसरे को चाहती भी नहीं है। उन्हीं के लिए 3000 वर्षों से तपस्या कर रही हैं। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए ही मेरी इन सखी ने ऐसा तप आरंभ किया है। विप्रवर, इसमें जो कारण है मैं उसे बताती हूँ। सुनिए, ये पर्वतराज कुमारी ब्रह्मा विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं को छोड़कर भी अपने केवल पिनाकमणि भगवान शंकर को ही अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं और नारद जी के आदेश से यह कठोर तपस्या कर रही हैं। दुःश्रेष्ठ, आपने जो कुछ पूछा था उसके अनुसार मैंने प्रसन्नता पूर्वक अपनी सखी का मनोरथ बता दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, विजया का यह यथार्थ वचन सुनकर जटाधारी तपस्वी रुद्र हंसते हुए बोले, सखी ने जो यह कुछ कहा है उसमें कुछ परिहास का अनुमान होता है। यदि यह सब कुछ ठीक हो तो पार्वती देवी अपने मुख से कहें। जटिल ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पर पार्वती देवी अपने मुंह से यूं कहने लगीं।